चार्जशीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके माँ बाप उसको प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं, या उसके बाप ने उसको प्रोस्टिट्यूट बोला, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि किस तरह से प्रत्युषा के माँ बाप उसको टॉर्चर करते हैं। अच्छा राहुल, क्या कहना चाहेंगे इस आर्टिकल को लेकर? ये आर्टिकल बहुत बेसलेस और एक स्टोरी है, एक कहानी है जो सुनने में अच्छा लगता है, किसी को विलन बनाने में बहुत मज़ा आता है लोगों को। तो यह चार्जशीट बाहर है, चार्जशीट में साफ साफ लिखा हुआ है कि उसके माँ बाप उसको प्रोस्टिट्यूट बोल रहे हैं, जहाँ वो मेरे से फ़ोन में बात कर रही है और मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये तुम नहीं हो जो चीज़, तुम उस चीज़ को क्यों सीरियसली ले रही हो, रहने दो, जो कुछ बोल रहा है तुम्हारे बारे में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बोलते नहीं फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मेरे माँ बाप है, मेरे माँ बाप रह के मुझे ये बात बोल रहे हैं। वो इस बात का दुख था उसे, और यहाँ प्रत्युषा उसे गाली दे रही है, प्रत्युषा उसे गाली दे रही है। क्या पढ़ो, पढ़ो ना, ये पढ़ू मैं, ये गंदा गाली है, आगे पीछे का थोड़ा है ना, ये गाली दे रही है। अच्छा उनके बाप ने मुझे भी, बाप ने मुझे फ़ोन किया था, मुझे बोला था बॉम्बे में आके उठा लूँगा तुमको 2 घंटे में, और अभी बोला जा रहा है कि मैंने धमकी दिया उनको, ठीक है। फिर प्रत्युषा बोली गारंटी इनका खून नहीं हूँ। मैं फिर से उसको बोल रहा हूँ, तुम्हारा सोच विचार मिलता नहीं है तुम्हारे माँ बाप से। तो क्या लगता है आपको, ये आर्टिकल आपके अगेंस्ट किसे थे? क्यों क्यों मैंने देखिए क्या, अब क्यों किया, अब क्यों किया, आप ही सोचो ना, इतना लेट क्यों किया, कई महीने हो गया इसको बाहर आए हुए। सो दिस इज ऑल पार्ट ऑफ देयर विंडिक्टिव स्ट्रेटजी, एंड आई स्पोक टू द मिरर, आई स्पोक, आई गेव हिम द चार्ज शीट थिंग, एंड दे आई थिंक दे आर गोइंग टू बी अ बेटर आर्टिकल टुमारो स्टेटिंग द ट्रुथ। प्रत्युषा के मॉम डैड से बात हुई कभी आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ वो गिल्टी है इसलिए मुझसे बात नहीं करेंगे वो, क्योंकि बहुत सारी लोन थी प्रत्युषा, बहुत बहुत सारे लोन थे, तो कुछ बातचीत हुई। मेरा लोन थोड़ी ना था, वो उनका था, वो पिछले 4-5 साल से लोन था उनका। अच्छा राहुल, क्या लगता है कि इस मामले से क्या कौन होगा कि ये अच्छा हुआ, ये जो बात ये देख के वो फंस गए। नीरज गुप्ता जिसने स्टेटमेंट दिया उसके खिलाफ तो ऑलरेडी मानहानि का दावा मैंने ठोक दिया है, तो चिटपुंजिया वकील जो है नीरज गुप्ता वो पागल हो गया है, अभी उसको केस लड़ने रांची जाना है, तो कुछ भी बना बना के बोल रहा है, चार्जशीट के अगेंस्ट में जा रहा है, जुडिशरी सिस्टम से अगेंस्ट में जा रहा है, लास्ट कन्वर्सेशन सुन के मुझे बेल मिला है तो वो हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जा रहा है। सो ही डजंट नो व्हाट ही इज डूइंग। सो ये प्रोस्टिट्यूशन से क्या क्या कुछ कहना, क्या उसके बाप ने उसको प्रोस्टिट्यूट बोला तो उसे बुरा लगा, गालियाँ देते ना दारू पी के, उसके बाप हमेशा 24 आवर्स आई थिंक ही ड्रिंक्स, वो ब्लड टेस्ट करने से मालूम पड़ जाएगा। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू एलिगेट एनीथिंग, ही सेड इट, शी रिएक्टेड टूवर्ड्स इट, एंड टूडे द कन्वर्सेशन इज आउट, वाई ही सेड, वाई शी लिसन्ड, आई इन वॉज इन हर लाइफ फॉर 8 to 9 months। तो अगर ये वो आधे घंटे में अगर ये सब हुआ, सो यू थिंक कि इसी वजह से शायद डिप्रेशन तो होता ही है, हाँ। दिमाग में तो चलता ही है, पैसा था नहीं, लिखा है इसमें है ये सब पैसा उसके माँ बाप ने मेरे को ख़त्म कर दिया, मुझे प्रोस्टिट्यूट बोला जाए, तो दिमाग में तो आदमी का चलता ही है, तभी तो ऐसा कोई स्टेप उठाता है कोई। सो व्हाट डू हैव टू से टू द ऑल द व्यूअर्स, ऑल द व्यूअर्स आई वांट टू से लिसन, राहुल को ही ब्लेम कर रहे हैं, मुझे ब्लेम इसलिए कर रहे हैं कि सबसे सॉफ्टेस्ट टारगेट हूँ, अगर वो ब्लेम नहीं करते तो मैं उनको ब्लेम करता, तो अपना बैक को बचाने के लिए वो मेरे ऊपर ब्लेम किए, लेकिन आज ये ब्लेम सब फॉल्स इसीलिए कि चार्जशीट आ चुका है और मैंने चार्जशीट पढ़ के बताया, हाँ। ये चार्जशीट है, ये गवर्नमेंट स्टैंप लगा हुआ चार्जशीट है जिसमें फॉरेंसिक रिपोर्ट से आया है, वो कभी कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि किस तरह से प्रत्युषा के माँ बाप उसको टॉर्चर करते थे। अच्छा राहुल, हमें लगा कि इस साल बिग बॉस में आप आओगे, नहीं, ये सारी सच्चाई बाहर देखते हैं ना अभी, तो वाइल्ड कार्ड एंट्री, आई डोंट नो, लेट्स सी, इट्स मोर इम्पोर्टेंट इज दिस इशू टुडे, लेट्स टॉक अबाउट इट, थैंक यू, ओके, थैंक यू।